मेरे पिता अजय है, अमर है, जिसका वध हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, इतना उनके पास असीम बल था, उनके वे इतने शस्त्र की ज्ञाता थे। इस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा के बीच संघर्ष हो रहा है, संभाषण भी है और वहां पर संघर्ष भी है। तो कर्ण इस प्रकार बोले जा रहा है और इतने में अश्वत्थामा गुस्से में आकर कर्ण को मारने के लिए उतर हो जाता है। तब कर्ण कहता है कि अरे द्रोणी पुत्र, तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का वध मैं नहीं करता, इसलिए तुम अवध हो, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह तेरा शरीर भी दर्जी अलग कर देता। ऐसा अश्वत्थामा ने सुना, इतने में अपने शरीर पर जो यज्ञोपवीत धारण की थी, यज्ञोपवीत काट ली और कर्ण को कहा कि अब तो मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ, अब तो तुम मेरा वध कर सकते हो, करो वध, कौन कितना किस पे भारी है पता चल जाएगा। इस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा के बीच शाब्दिक युद्ध हो रहा था और उसी समय महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन को ढूंढ निकाला और भीम दुशासन को ढूंढते हुए दुशासन से युद्ध करने लगा और दुशासन से युद्ध करते हुए दुशासन को मारकर अपनी गदा के प्रहार से रणभूमि पर गिरा दिया और दुशासन ने बचाने के लिए बचाओ बचाओ आर्तनाद किया। उसी प्रकार उसका आर्तनाद सुनते ही इस और कर्ण और अश्वत्थामा के बीच कौरव पक्ष में एक और शाब्दिक युद्ध हो रहा था और रणभूमि में एक और वेणुशाह के रचयिता पटना ने आलेखित किया, आलेखन किया कि एक और भीम ने दुशासन को ढूंढ निकाला और दुशासन को रणभूमि में इतना अपनी गदा के प्रहार से ताड़न किया कि वह रणभूमि में गिर जाता है और बचाने के लिए गर्जना करता है। उसकी गर्जना उसकी त्राण सुनकर शिवाय के अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के शिवाय कौन, कृपाचार्य, दुर्योधन इत्यादि दुशासन को बचाने के लिए दौड़ जाते हैं। दुशासन की आवाज आई, वहां पर दौड़ जाते हैं, रणभूमि पर दौड़ जाते हैं, लेकिन दुर्योधन दुशासन को बचाने के लिए भीम से मुठभेड़ करते हैं। भीम और दुर्योधन के बीच भी गदा युद्ध होता है, लेकिन उससे पहले भीम की गदाओं के प्रहार से दुर्योधन भी भूमि पर गिर जाता है। दुर्योधन के साथी ने छुपाते हुए उसे वहां से निकालकर झाड़ियों में ले जाता है, वहां ले जाकर अंगलेप करता है और उसी क्षण, अभी तो दुशासन रणभूमि पर पड़ा ही था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया। प्रथम अंक में भी यही, द्वितीय अंक में भी यही बात, तृतीय अंक में भी यही बात। तो हम देखते हैं कि नाटक में जो वेणी सहारम रक्त बांधना और रक्त बांधने के लिए भीम की प्रतिज्ञा भी इतनी ही आवश्यक है, क्योंकि जब जहां तक भीम अपने हाथों से दुशासन को मारते उसके रक्त से द्रौपदी के केस नहीं सींचता, तब तक द्रौपदी अपनी वेणी को सहारेगी नहीं। तो इसी प्रकार दुशासन अभी तो रणभूमि पर जीवित है और भीम ने उसे अपनी गदा के प्रहार से रणभूमि पर सुलाकर उसके जीवित होते हुए उसकी छाती को चीर दिया, उसमें से रक्तपान किया और उसी रक्त से द्रौपदी की वेणी सींचता है और इधर दूसरा दुर्योधन बच गया, वह जिंदा रह गया, जीवित रह जाता है, क्योंकि उसके साथी ने उसे वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर झाड़ियों में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा था। और उसी क्षण तृतीय अंक के अंत में वर्णन मिलता है कि दुशासन जीवित था, रणभूमि पर मृतप्राय हालत में था और उसी क्षण दुशासन की जीवित होते हुए भी छाती चीर कर भीम ने उसके लहू से द्रौपदी का केस सींचने के लिए
प्रवृत्त होता है और यहाँ पर हमारा जो मेन सहारम नाटक था उसका तृतीय अंक पूर्ण होता है। अब जो हमारा सेमेस्टर सेमेस्टर वन है जिसमें C101 तो C101 में हमें अंक 1, अंक 2 और अंक 3 इन तीनों का कथावस्तु और इनके श्लोक इनके क्वेश्चन अभ्यास में आवश्यक है। अंक 4, 5, 6 का कथावस्तु अभ्यास में नियत नहीं किया गया है। तो तृतीय अंक का कथावस्तु यह है, हमने देखा। अब आगे का कथानक क्या है अब हम आगे चर्चा करेंगे। ओके अस्तु, यहाँ पर हम जो वेणसा के तृतीय अंक है इसकी कथा पूर्ण करते हैं। और एक बात यह भी है कि महाभारत में कुछ घटनाएं कैसी भी हो, लेकिन महाभारत में जो महाभारत महर्षि व्यास ने लिखा 1,00,000 श्लोकों में और आज के महाभारत में 1,00,000 श्लोक वाला जो विशाल का ग्रंथ महाभारत है उसके आधार पर कितने ही संस्कृत और हिंदी या गुजराती कितने ही अन्य कवियों ने महाभारत को उपजीव्य ग्रंथ मानकर महाभारत में से कुछ कथानक लेकर अपनी कल्पना से अपने ढंग से शीर्षक देकर अपनी कथा को सजाने का प्रयत्न किया है। उनमें से भाटी नारायण भी एक है जिन्होंने महाभारत के युद्ध के प्रसंग को आलेखित किया है कि महाभारत के रण संग्राम के समय कैसी परिस्थिति बनी हुई थी और इसी घटना का प्रतिनिधित्व करता हुआ हमारा वेणसहार नाटक इस बात का भी प्रतीक है कि महाभारत के युद्ध में भीम अपनी प्रतिज्ञा किस प्रकार पूर्ण करता है और एक सम्माननीय एक आदर्श भारतीय नारी उसका जो अपमान हुआ था उसी अपमान के लिए उसने अपमान करने वाले का जहाँ तक जब तक मृत्यु नहीं होता वहाँ तक अपनी वेणी सहारना छोड़ दिया था, वेणी खुला रखना रखती थी। तो यह हमारे स्वप्न वासवदत्त नाटक के रचयिता भारसनीय पंचरत्न गुरु भंगम कर्ण भारत तो वहाँ पर गुरु भंगम वही नाटक में थोड़ी सी कुछ प्रसंग बोलते हैं तो उन्होंने महाभारत आधारित 6 रूपक लिखे तो वहाँ पर भी महाभारत की कथा है, लेकिन वेणी सहार की महाभारत की कथा में केवल युद्ध की घटना और युद्ध की घटनाओं का ताल्लुक वेणी सहार से है, भीम की प्रतिज्ञा से है, द्रौपदी की वेणी से है। तो हम आगे देखेंगे। ओके अस्तु।